हमारा डेढ़ महीने से ये प्रोटेस्ट, इसकी तैयारी चल रही थी कि एक ऐसा आंदोलन करेंगे दिल्ली के अंदर कि इस मनवाद सरकार को हिला देंगे और अपने तीनों भाइयों की रिहाई के लिए मांग रखेंगे। लेकिन दुख इतना प्रकट हो रहा है कि उन हरामखोरों की वजह से ये आंदोलन फेल करने की कोशिश की गई है। हमने गांव-गांव में जाकर सहारनपुर की टीम, हमारी उत्तराखंड की टीम, डॉक्टर अशोक जी जो उत्तराखंड से चल गए, संदीप वाल्मीकि जी जिन्होंने जिला हरिद्वार के अंदर फ्लैक्स बोर्ड लगा लगाकर इस महाआंदोलन का प्रचार प्रसार करा, लेकिन उन हरामखोरों की वजह से ये प्रोटेस्ट फेल हो गया। फेल नहीं हुए, ना होने देंगे। वे कान खोल कर सुनने मनवाती, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो हम हरिद्वार में दिखाएंगे। अभी पिक्चर है ना, हरिद्वार में दिखाएंगे। साथियों, सबसे बड़ा मानवता का काम है कि हमारे बहुजन समाज के साथ किन्नर समाज एकजुट होकर चला। मैं धन्यवाद करता हूँ नरगिस मौसी और बहन रूबी का, जो इन्होंने हमारे संगठन में जुड़कर हमारे संगठन में चार चांद लगाए हैं। और हम वादा करते हैं कि समाज के गद्दारों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो विद्राज हो, चाहे राम कुमार अठावले हो, जो समाज के साथ गद्दारी करेगा उसके हम हाल में से बाल निकाल लेंगे, ध्यान रखना। और साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हम 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध कर रहे हैं ना, वाकई में गलत कर रहे हैं। मैं तो उन कहूँ 14 पॉइंट रोस्टर हो जा, क्योंकि जिन्हें आरक्षण का मजा मिल रहा है वे आराम को अपने घरों में बैठे टीवी और बीवी में बिजी है, उन्हें आंदोलनों से कोई मतलब नहीं। जिनकी नौकरी लगी वे मजे ले रहे, अरे उन तीन बच्चों के माँ बापों से पूछो जिनके बच्चे आज मुजफ्फरनगर जेल में किस तरीके से जिंदगी जी रहे। हमारा बहुजन समाज इतना सीधा सूता है कि पैसा भी देता है, मान सम्मान भी देता है, लेकिन हराम खोर में अपनी गद्दारी का जरा सा भी नुकसान नहीं छोड़ते। साथियों, मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, मोदी और योगी सरकार से, सभी अपनी मीडिया द्वारा ये संदेश पूछाए कि मोदी जी 2019 करीब आ रहा, अगर आपने इन तीन भाइयों को रिहा नहीं करा ना, तो ध्यान रखना 2019 में आपकी सरकार तो सरकार, आपकी नस्ल भी बदल देगी। हम लोग ये बहुजन समाज है, दो अप्रैल दोबारे से याद दिला देंगे, ध्यान रखना करीब आ रही 2 अप्रैल फिर दोबारे से। और जो 5 मार्च को भारत बंद हो रहा है उसमें हमारा कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि अभी तक 2 अप्रैल के आंदोलनकारियों के मुकदमे सही तरीके से वापस नहीं लिए गए। उस बिचारों की लाइफ खराब होगी फिर दोबारा से अपनी राजनीति चमकाने के लिए फिर आप भारत बंद कर रहे। अरे शर्म करो, चंदा खोरो, हराम खोरो। और 2019 में बहन कुमारी मायावती अगर प्रधानमंत्री बनती है तो हम बता देंगे कि इस देश में बहुजन समाज की ताकत क्या है। और एक चीज और बता रहा, थोड़ा मैं देसी भाषा में बोलूं, भाई समझ में आया बता दो, किसके मजार की छेड़े डीलर को, अरे यू तो गर्दिश में भी घेर लेते हैं गीदड़ शेर को। हम शेर है, हमारे समाज में शेरनी भी पैदा हो गया और शेर भी पैदा हुआ है। जिस तरीके से हमारी बहन पूनम अंबेडकर जी शेरनी की तरह दाटती है, और बहन ममता जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ नेशनल भीम आर्मी की, इन्होंने भी पूरे भारत में परचम लहरा रखा है। और मैं ज्यादा नहीं बोलूं क्योंकि भाई दो दिन से खाना बनना खाया नहीं, लेकिन दुख इस बात का कि हरामखोरों ने वे गद्दार लोग अपने मकसद में कामयाब रहे। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ भीम आर्मी को, खुदा भीम आर्मी के पत्ते से साफ कर दूंगा। ध्यान रखियो, जो समाज के साथ गद्दारी करेगा, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान।